हे एवरी वन, वेलकम टू माई ब्लॉग। आज ये लाल लाल मिर्च जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि इसका अचार बनाना है। तो ये लेके आए थे रात को, तो सोचे क्यों ना आज सुबह इसका जो काम है वो थोड़ा बहुत कर दें। नहीं तो ये अचार के लिए जो मिर्ची है ये अगर सूख गया एक बार तो फिर इसका अचार बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो आज के आज ही इसको धो के और इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख देते हैं ताकि इसका पानी सूख जाए, और उसके बाद इसका मिर्च का जो बीज होता है उसको निकाल लेंगे। तो साथ में यहाँ पे आ चुके हैं हम लंच बनाने के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका था, 9 से ज़्यादा ही हो रहा था। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता हो चुका था और इसके बाद ही हम लंच बनाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे पहले भिंडी काट रहे हैं, पहले भिंडी का सब्ज़ी बना देंगे और इसके बाद फिर। तो यहाँ देख सकते हैं ये मिर्च का जो पानी है वो निकल चुका है, तो इसको अंदर रख लेते हैं। और फिर यहाँ पर हम नहा के आ चुके हैं और मेरा जो सब्ज़ी दाल जो है वो रेडी हो चुका है। तो खाना लगभग रेडी है और ये भी तब तक नहाने में और अपना रेडी होने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे हम दाल को तड़का दे रहे हैं, क्योंकि पालक वाली दाल बना है तो वो तड़का के साथ अच्छा लगता है। इसमें सरसों वाला जो है वो तड़का देते हैं, जिससे इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है, और साथ में लहसुन। तो यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ मेरा तड़का रेडी हो चुका है, तो इसको दाल में डाल देंगे। लहसुन जो है वो बिल्कुल ब्राउन हो गया है और इससे तड़का जो है पालक दाल जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे खीरा जो है वो काट लेते हैं साथ में, और ये भी रेडी होने में लगे हुए थे क्योंकि टाइम कम ही रहता है और 12 बज चुका था। तो यहाँ पर इनका लंच पहले, अभी दोपहर का खाना जो है वो निकाल के इनको देंगे और उसके बाद लंच भी इनका पैक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं पालक वाली दाल है, दाल, खीरा, सब्जी और रोटी ही है आज। तो आज के लंच में यही है और साथ में चना दाल का चटनी है, क्योंकि सुबह के नाश्ते में इडली बनाए थे तो वो चटनी भी था साथ में। यहाँ पे देख सकते हैं भिंडी की सब्ज़ी, और यही है मेरा सिंपल सा लंच आज। चावल नहीं बना है लंच में। तो इनका थाली जो है वो रेडी हो गया है, अब इनका बस टिफ़िन पैक करना है। तो यहाँ देख सकते हैं थाली सब कुछ है इसमें, और यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 12:05 हो चुका है और ये नहा चुके हैं। इसके बाद इनको लंच ही करना है, तो लंच इनको दे चुके हैं और यहाँ पे इनका जो शाम के लिए नाश्ता है वो पैक कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा टहल रहे हैं खाने के बाद, और इसके बाद इनको रेडी होना है। रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं है, अब 15-20 मिनट में इनको निकलना ही है। तो तब तक यहाँ पे मेरा लंच पैक हो रहा है, और इनका लंच पैक करने के बाद मेरा सारा काम हो चुका है और हम फ्री हो चुके हैं। इसके बाद फिर मेरा कोई भी काम नहीं बचा है किचन का, और सारा काम निपट गया है। बस थोड़ा बहुत जो बर्तन है वो साफ़ करना होगा और बस सारा काम मेरा कम्प्लीट हो चुका है। तो ये इनका लंच जो है वो पैक करके इनको दे देते हैं। तो यहाँ पे टिफ़िन पैक करने के साथ ही मेरा काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे कपड़े भी डाल लेते हैं, क्योंकि धूप जाने के बाद ही कपड़े अगर डाले तो सूखता नहीं है और उसमें स्मेल भी आ जाता है। तो यहाँ पे कपड़े को पहले फैला लेते हैं, नहीं तो फिर ये बाथरूम में रह जाता है तो फिर याद भी नहीं रहता है कपड़े को सूखने डालने के लिए। और ये जा चुके हैं ड्यूटी, तो मेरा काम जो है वो कम्प्लीट हो गया है। इसके बाद अचार का जो काम है वो करने के लिए आ चुके हैं यहाँ पर। तो पहले बीज निकाल के रख देंगे अचार का, और इसके बाद मसाला उसमें बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पालक भी ढेर सारा लेके आ गए थे, इसको भी साफ़ करना है। तो यहाँ पे आपके साथ एक टिप्स भी शेयर करेंगे कि कैसे पालक को आप फ्रेश रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में, और सेम डे ही आपको बनाने का झंझट जो है वो नहीं रहेगा, आप दूसरे दिन भी उसको लाने के बाद बना सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पालक को साफ़ कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पर न्यूज़पेपर जो है उस पर रखेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आगे आपके साथ एक टिप जो है वो शेयर करेंगे। तो पालक साफ़ करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, टाइम देख सकते हैं यहाँ पे 4:10 हो रहा है, और पालक फाइनली साफ़ हो चुका है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगा है। और यहाँ देख सकते हैं न्यूज़पेपर पे ये पालक का कचरा है और ये पालक जो है फ्रेश है। इसको न्यूज़पेपर में लपेटेंगे इस तरह से और इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे ताकि इसमें कोई भी हवा जो है वो ना जाए, चारों तरफ से इसको पैक कर देंगे अच्छे से।
और उसके बाद प्लास्टिक के बैग में इसको डाल देंगे, और बिल्कुल भी इसके अंदर हवा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एयर टाइट कंटेनर है तो उसमें डाल के रखें, बिल्कुल फ्रेश रहेगा ये एक वीक तक। और इस तरह से प्लास्टिक के थैली में डालेंगे तो ये 2 से 3 दिन तक ही फ्रेश रहता है। तो आप भी ये ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा अपने घर पर, इससे पालक जो है ताज़ा ही बना रहेगा 1-2 दिन तक। और साथ में यहाँ पे आ चुके हैं अचार का काम कंप्लीट करने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे बाकी सारे तो मसाले निकाल चुके हैं, और जो ग्राइंड करना है उसको अलग से ले लिए हैं, उसको भी ग्राइंड करेंगे। और यहाँ पे मसाला जो है सब मेरा काम हो चुका है। और अगर अचार का रेसिपी देखना है तो आपको जल्दी ही वीडियो मिलेगा इसका भी। और शाम हो चुका था 5:30, तो यहाँ पर हम अब निकल रहे वॉकिंग के लिए शाम के टाइम में। तो बाहर भी शाम में टहलना ज़रूरी है, तो अभी निकल रहे हैं शाम को टहलने के लिए। और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था पूरा दिन काम में ही। तो देख सकते हैं यहाँ पे पांडू है, पांडू की मम्मी है, और ये टहल रहा है शाम के टाइम में। और शाम के टाइम में बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं बाहर आने के लिए, तो यहाँ पे पांडू और देवू यही दोनों हैं पार्क में, अभी ज़्यादा बच्चे नहीं आए हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।